व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज मैं आप लोगों को कोई मोटिवेशनल कोट नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या स्टार्ट किया जाए, किस तरीके से हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सके, तब स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि यार आप लोगों ने इतनी सारी बातें बोली कि ये भी स्टार्ट करो, वो भी स्टार्ट करो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये आया कि यार मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं कई सारी मेरे बात मन में कई सारी बातें चल रही थी, पर फिर मैंने उन सब चीज़ों को एक प्रॉपर वे में एनालाइज किया। एनालाइज करके मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो भी आप लोगों ने बातें बोली हैं वो भी सब कवर हो जाए और मेरा टाइम भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे अपने आप को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो वो बात मुझे एकदम क्लियर थी। तो कहीं ना कहीं जब ये मैंने ये सोचा कि यार इसका नाम क्या सोचा जाए, तो मैंने इस टाइम पे सोचा कुछ ऐसा सोचा जाए कि आप लोगों के जो भी एग्जाम आ रहे हैं तो आप लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी एक ऐसी, आप लोग बोल सकते हैं कैप्सूल टाइप का एक जगह मिल जाए, या फिर मैगजीन आप लोग इसको बोल रहे हैं, मतलब एक जगह मिल जाए जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको मिनिमम टाइम में, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाए। तब जाकर मेरे माइंड में ये नैनो मैगजीन का कॉन्सेप्ट आया। उस टाइम पे मैंने नैनो मैगजीन इसका नाम रखा। मैंने कहा ये मैगजीन टाइप का प्रोग्राम बनाता हूँ और इसमें सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करता हूँ। पर लेकिन बार बार मेरे मन में वही बात आ रही थी कि मैं इसको स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर फिर मैंने सोचा कि यार ये क्यों सोच रहा हूँ कि मैं इसको स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा, मैंने इसको ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं इसको कितने अच्छे से स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले तो मैं यही सोचता रहा कि स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा, फिर मैंने पैटर्न चेंज किया, मैंने बोला कि कितने अच्छे से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ उस पर फोकस देता हूँ, स्टार्ट करना तो है ही है। तो इस तरीके से मैंने अपनी थोड़ा थिंकिंग को बदला और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं अपना। एक चीज को आप लोग देख रहे हैं कि मुझे करनी है या नहीं करनी है, और दूसरी साइड में आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे से करनी है, तो दोनों में धरती और आसमान का डिफरेंस आ जाता है। और यही चीज मुझे यहां पर देखने को मिली। जो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि आई कांट डू इट, वो स्टार्टिंग में जो बात लग रही थी वो इजिली मैं इस टी को यहां से हटा पाया। फिर ये आज की डेट में आई कैन डू इट और मैं इसको कर भी रहा हूं। आज ये दूसरा लेक्चर है आप लोगों के सामने और मंडे को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को और भी इंप्रूव वर्जन इसका देखने को मिलने वाला है। तो ये हमारा है नैनो मैगजीन का शेड्यूल। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि आराम आराम से चीजें सारी प्रॉपर वे में मैं लेके आ जाऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये आप लोगों के लिए लेक्चर इतना शानदार होने वाला है कि आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। टाइमिंग डेली हम लोगों की मॉर्निंग में 5 AM रहा करेगी, तो आप लोगों को उठने का जो है वो भी शेड्यूल सेट कर लेना है कि डेली मॉर्निंग में 5 AM आप लोग उठना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कोटेशन हो गई, इंपॉर्टेंट डे हो गया, वोकैबुलरी हो गई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे रहा करेगा। अभी तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डाला, पर अभी आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा एक्स्ट्रा में। अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों का डाल रहा हूँ वो पॉलिटी से रिलेटेड डाल रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी के मैं लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 75 से ऊपर लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें हम लोग लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो उनका रिवीजन करना स्टार्ट अभी मैं करूंगा। यहां पर मंडे से आप लोगों को डेली एक क्वेश्चन मिलेगा यहां पर, हालांकि मैंने कल भी दिया था और आज भी दिया है, तो डेली एक क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो सके। आप लोग उसका रिवीजन जाकर कीजिए, सारे जो लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चलेगा, आपकी पॉलिटी का रिवीजन भी होता रहेगा और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से पॉलिटी को कवर कर सके। इसके साथ में मैंने आप लोगों से बोला था स्कीम, ये तो मैं कवर कर ही रहा हूं, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन हो गई एक, तो ये आप लोगों ने सभी सुना होगा गवर्नमेंट की मैगजीन होती है, और इसके साथ में एक मैगजीन यहां पर आप लोगों ने सुना होगा साइंस रिपोर्टर, तो इनके भी आर्टिकल्स में यहां पर डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव चीजें सारी यहां पर देखने को मिलेगी, इनके भी आर्टिकल डालना स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा खासकर योजना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन है उसको मैं लेके चलूंगा, मतलब जनवरी से इसको लेके चलूंगा, और इस तरीके से आप लोगों के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस तरीके से इसको कवर करना है, तो आपकी पूरी मैगजीन यहां पर कवर हो जाएगी। इसके साथ में क्या रहेगा, अलग चीज जो मुझे लग रही है वो है आपका साइंस एंड टेक का साइंस रिपोर्टर कवर करूंगा, और इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो भी यहां पर आप लोगों को मिले करेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ में एक मैंने बोला था एक कंट्री डिस्कस किया करूंगा, तो जो कंट्री डिस्कस किया करूंगा उसमें आगे से अभी तो मैंने नहीं किया है, आगे से आप लोग यहाँ पर IR में इसका काफी फायदा होने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का इस कंट्री का रिलेशन इंडिया के साथ में क्या है, किस तरीके से ट्रेड वगैरह है, उस पर भी फोकस दिया करूंगा। तो आप लोगों को एक काफी शानदार लेक्चर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और चीजें पसंद आती है तो देखिए लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और अपनी सजेशन जो है वो हमेशा देते रहिए कमेंट बॉक्स में, जो भी आप लोगों को चेंज कराना है वो जब जब मुझे टाइम लगता रहेगा मैं उनको इंक्लूड करता रहूंगा, और PIB तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
तो आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यह रूरल लाइवलीहुड के बारे में और किस एरिया की बात की जा रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के एरिया की बात की जा रही है यहां पर रूरल लाइवलीहुड स्कीम के बारे में। यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, तो यह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास में डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को किस तरीके से डेवलप करना है तो उससे रिलेटेड ये स्कीम निकल के आ रही है। ठीक है, तो स्कीम का नाम ये हो गया ऊपर। तो इसके साथ में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम सपोर्ट किसके द्वारा की जा रही है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये स्कीम सपोर्ट की जा रही है। सेकंड बात क्या है यहाँ पर, सेकंड बात ये है कि ये किस किस को फायदा पहुंचाने वाली है, वो चीजें आप लोगों को देखनी है। तो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको फायदा पहुंचाने वाली है, जो लोअर इनकम वाला जो ग्रुप है यहाँ पर उनको फायदा पहुंचाने वाली है। इसके साथ में वुमेन को भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो ये तीन मेजर एरिया है जो ये स्कीम फोकस करने वाली है और चार स्टेट है जिनका इस पे फोकस रहेगा। ठीक है, एक तो हो गया मिजोरम, एक हो गया नागालैंड, एक हो गया सिक्किम और एक हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम और ये हो गया नागालैंड। मणिपुर, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश नहीं है, चार स्टेट नहीं है और चार स्टेट है। ठीक है, तो ये चार स्टेट यहां पर है इस रूरल लाइवलीहुड स्कीम में जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट की जा रही है। एम क्या है यहाँ पर, 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे जो कि इसको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी या लोअर सोशल इकोनॉमिक जो ग्रुप है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिट दिया जाएगा लगभग 3 लाख पुअर हाउस होल्ड को दिया जाएगा। ये भी एक इन्होंने आप लोग बोल सकते हैं एक एस्टिमेशन लगाया है। तो स्कीम का नाम याद रखेगा, कौन सी यहाँ मिनिस्ट्री है वो याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये वाला ये याद रखना आप लोगों को, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट की जा रही है और ये चार यहाँ पर जिनको फायदा पहुंचने वाला है और चार तीन फायदे पहुंचने वाले हैं और चार स्टेट हैं, तो कंप्लीट याद होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल है, ये है फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017। फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, तो सबसे पहले तो फिफ्थ नाम याद रखना है। इसके साथ में ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि दिल्ली में हो रही है। ओके, तो ये अब की बार जो दिल्ली में हुई है। इसके अलावा आप लोगों को इसकी थीम पता होना चाहिए। तो थीम जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ए सिक्योर एंड इंक्लूसिव साइबर स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तो सिक्योर होना चाहिए, मतलब जो भी कंटेंट आपका है एक तरीके से ऑनलाइन सब कुछ सिक्योर होना चाहिए, इंक्लूसिव सबको एक साथ में लेके चलना चाहिए, जो साइबर स्पेस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस देना चाहिए। तो ये इसकी थीम है, साइबर फॉर ऑल। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है उमंग ऐप। ये उमंग ऐप आप लोगों को याद रखना है, ये इसी मुहूर्त पे यहां पर जब ये फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस हो रही थी तभी ये उमंग ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप को क्या मतलब है, इस ऐप का लॉन्च करने का इसका मतलब ये है कि यहां पर देखिए 162 जो सर्विस है गवर्नमेंट की, कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, तो उनकी सर्विस आप लोगों को एक जगह मिलेगी, इस ऐप पर मिलेगी, अलग अलग कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, एक जगह आप लोगों को सारी चीजें यहां पर इकट्ठा मिलेगी। तो सिटीजन आराम से इसको एक्सेस कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन पर, और वो भी सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक ऐप डाउनलोड करने के बाद में। ठीक है, तो कोई जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब का ऐप डाउनलोड करते हैं तो कोई भी वीडियो देख लेते हैं, इसी तरीके से जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो यहां पर जो गेस्ट थे, मतलब एक तरीके से आप लोग गेस्ट ओनर इनको बोल सकते हैं यहां पर, ये थे रानिल विक्रम सिंघे, तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं आज की डेट में, ये इंडिया की विजिट पर हैं, तो यहां पर गेस्ट थे। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं, यहां एक प्राइज भी दिया गया। तो ये प्राइज जो था, जो विनर ऑफ द ग्लोबल साइबर चैलेंज इसको बोला गया है, पीसेथोन। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखना है, इस तरीके के वर्ड भी कई बार आ जाते हैं, ये किससे रिलेटेड है, आप लोगों से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसेथोन किससे रिलेटेड है, तो ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं उमंग के बारे में। ठीक है, तो जो उमंग ऐप है ये क्या है, एक तो सबसे पहले बात है यूजर फ्रेंडली इसको बनाया गया है, हर एक कोई भी इसको आराम से यूज कर सकता है, यूनिफॉर्मेलिटी और द गवर्नमेंट सर्विस आप लोग अवेलेबल यहां पर कराई जाएगी, 162 सर्विस रहेगी, इसके साथ में आप लोगों को 33 डिपार्टमेंट यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 13 इंडियन लैंग्वेज में ये देखने को मिलेगा, कितनी अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी में मिल गया, इंग्लिश में मिल गया जो नॉर्मली होता है, 13 लैंग्वेज में यहां पर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि आने वाले टाइम में, अभी नहीं आने वाले टाइम में, इसको विदाउट इंटरनेट भी इसको यूज किया जा सकता है यूएसएसडी की हेल्प से। ये यूएसएसडी क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है बैंकिंग में, इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं कि इनकी फुल फॉर्म बताओ या फिर कुछ भी इस तरीके से 20 का वर्ड पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो ये यूएसएसडी का मतलब होता है कि क्विक कोड,
क्विक कोड इसको बोला जाता है, नॉर्मली एक तरीके से रेफर्ड किया जाता है क्विक कोड की तरीके से, ये फीचर्ड कोड भी इसको बोला जाता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन टूल होता है। और जीएसएम जो मोबाइल होते हैं, ठीक है ना, एक तो सीडीएमए होते हैं, आप लोगों ने सीडीएमए देखा होगा जिसमें सिम वगैरह नहीं डलते थे, मतलब या फिक्स रहता था कोई एक ही कंपनी का वहां पर, ये जीएसएम होता है, छोटे छोटे सिम होते हैं, आप लोग चेंज कर लेते हैं किसी मोबाइल में, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, तो ये जरूर नाम याद रखिएगा आप लोग। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर स्पेस के बारे में। हम लोगों ने अभी पॉलिटी में डिस्कस किया था नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो ये सारे के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहां पर बात हो रही है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, उनको उन्होंने क्या बोला है, एक सजेशन आया यहाँ पर नीति आयोग के लिए, तो क्या बोला है यहाँ पर, इन्होंने बोला है कि जो भी वेलफेयर स्कीम होती है सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि अंडर हमारे प्रीव्यू लेके आओ, मतलब वो स्कीम कैसे बनानी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, वो सारी बातें नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK इसके अंदर होनी चाहिए। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में स्कीम बनती तो है वो गवर्नमेंट बनाती है, पर लेकिन वो स्कीम जो होती है ये ओनली मॉनिटर करते हैं, ये ओनली इनका काम मॉनिटर करने का होता है, तो ये कह रहे हैं मॉनिटर नहीं करना है, हम लोग चाहते हैं कि स्कीम हम बनाएं और उनको इंप्लीमेंट भी करें और देखें भी कहां सही क्या कहां गलत हो रहा है, तो वो पावर हमको दो, ये बात बोली जा रही है। तो नॉर्मली क्या बोला जाता है, अगर देखा जाए वेलफेयर स्कीम की जब बात की जाती है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं या फिर मैनुअल स्क्वेंजर जो होते हैं, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब कहीं पे भी जाके मैनुअली, मतलब अपना खुद की बॉडी यूज करके, मशीन से नहीं, देखिए पानी में यहाँ पर गटर में घुसे हुए हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से चीजों को साफ करना इसको मना किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर एक्ट भी बना हुआ है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं, इसको यहां पर ऐसे यूज नहीं करना है मैनुअली, आप लोग देख सकते हैं एक्ट है ये, द प्रोबेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्केवेंजर, मतलब प्रोबेशन है कि इंप्लॉयमेंट ही नहीं देना है मैनुअल स्केवेंजर को, सारा काम मशीन से करना है, एंड देयर रिहेबिलेट, और जो पहले काम कर रहे थे उनको रिहेबिलेट करना है, तो ये एक्ट बना हुआ है 2013 का, तो ये एक्ट आज तक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये अपनी बेचैनी एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पर, बोल रहे हैं कि मुझे बेचैनी तो उससे हो रही है कि आज तक आप लोगों ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, 2013 का वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे अंडर में आ जाए, हम इनको देखें, उसके लिए क्या चाह रहे हैं, उसके लिए कई सारी बातें यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ऐसा करें तो ये सब कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि आप हमको स्टैट्यूटरी स्टेटस दो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, मतलब या तो पार्लियामेंट में लॉ पास करके लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन करवा के एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, या फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, मतलब अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई आर्टिकल इंसर्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ। ठीक है, इसके साथ में हमको सिविल कोर्ट की पावर दो, जिस तरीके से हम लोगों ने SC ST कमीशन जब डिस्कस किया था पॉलिटी में उस टाइम पर उनको सिविल कोर्ट की पावर दी गई थी, हम लोगों ने वहां देखा था क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं थी। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी रखना है, तो इनको भी यहां पर सिविल कोर्ट की पावर ये मांग रहे हैं, तो हमको भी सिविल कोर्ट की पावर दो, और जो भी स्कीम आज की डेट में हम मॉनिटर कर रहे हैं वो स्कीम हम इंप्लीमेंट कर सकें वेलफेयर के लिए, तो हम उसको दूर दूर से न देखें, मतलब देखने का काम न करें, टूथलेस टाइगर न बने हम लोग, हमको पूरी पावर दो, हम उसको इंप्लीमेंट भी कर सके, हमारे प्रीव्यू के अंडर लेके आओ, और सिविल कोर्ट की पावर है, अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो हम उस पर एक्शन भी ले सके जो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई है। ओके, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है बैम्बो कल्टीवेशन के बारे में। देखिए नॉर्मली क्या होता है, दो तरीके से हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट आप लोग देख सकते हैं, एक तो होता है नॉर्मली जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, एक नॉन फॉरेस्ट एरिया होता है, जिस तरीके से आप लोगों के घरों में पेड़ होता है या फिर सड़क पे कहीं पे पेड़ मिल जाते हैं, तो वो एक तरीके से नॉन फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है, तो यहां पर आज की डेट में अगर देखा जाए बैम्बो, जो कि बांस बोलते हैं हिंदी में, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है, इससे रिलेटेड एक यहां पर ऑर्डिनेंस आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके ऑर्डिनेंस आई है यहां पर, जिसको बोला जा रहा है सेंटर प्रमोगेलेटेड इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017। इसमें क्या किया जा रहा है, जो बैम्बो कल्टीवेशन है इन नॉन फॉरेस्ट एरिया में उसको थोड़ा चेंज किया गया है। देखिए नॉर्मली क्या बोला जाता है, जो बैम्बो होता है अगर हम उसको टैक्सोनॉमिकली के बेस पर देखें, मतलब जिसका नाम होता है उसके बेस पर, तो इसको ग्रास बोला जाता है। ठीक है, पर लेकिन जिस तरीके से इसको नॉर्मली अगर यहां पर जो एक्ट की बात आती है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके बेस पर अगर देखा जाए तो इसको ट्री बताया जाता है, पेड़ बताया जाता है, तो जिस वजह से इसको पेड़ बताया जाता है, तो आप लोगों को पता है पेड़ पौधों को अगर काटा जाए, ये सब चीजें अगर सब मतलब रोक है, एक तरीके से आप पेड़ को इस तरीके से नहीं काट सकते हैं, नॉर्मली ये बात मानी जाती है। तो यह है फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया होता है, पर लेकिन यहां पर बात क्या की जा रही है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर नॉन फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट नहीं है, जहां पर सिंगल पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर इनको एक पेड़ की तरीके का दर्जा न दिया जाए। ठीक है, तो वहां पर इसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में जिस तरीके से इसको ट्री डिफाइन न किया जाए, क्योंकि ट्री डिफाइन करने का मतलब इनको काटने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा,
तो ये बात बोली जा रही है। अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया में इनको ट्री डिफाइन नहीं करेंगे तो आराम से क्या हो सकता है, इनकी खेती की जा सकती है, इनको काटा भी जा सकता है, तो फार्मरों को भी फायदा होगा एक तो, और एक तरीके से ग्रीन कवर भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो बांस की जो खेती है काफी काफी फायदेमंद होती है, काफी रिक्वायरमेंट भी होती है इनकी। तो इस तरीके से अमेंडमेंट करके बैम्बो को नॉन फॉरेस्ट एरिया में ट्री के दर्जे से हटाने की बात की जा रही है, ताकि इनको आराम से काटा जा सके, इनकी फसल की जा सके, तो उस पर फोकस देने की बात की गई है। ट्विन्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, फार्मर की इनकम बढ़ाना और दूसरा ग्रीन कवर करना, ठीक है ना, तो ग्रीन कंट्री में और ग्रीनरी बढ़ाना, तो ये बात बोली जा रही है। पर लेकिन कंटिन्यू रहेगा ट्री का दर्जा यहाँ पर अगर देखा जाए जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर, मतलब जो अगर फॉरेस्ट वाला एरिया है वहां पर कंटिन्यू रहेगा, बात की जा रही है यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट एरिया की, ठीक है, तो नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर पेड़ उगाया जा रहा है उसको काट सकते हैं आराम से, उस पर कोई रोक टोक न लगे, इसलिए ये अमेंडमेंट यहाँ पर लाने की बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपना आर्टिकल देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी है ये, ऑर्डिनेंस टू अमेंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। आखिर कई बार तो आप लोगों के माइंड में यही कंफ्यूजन रहता है कि ये है क्या, ठीक है, तो पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं एक बार, आइए इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, तो तीन वर्ड हैं, इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्सी हो गया और लिक्विडेशन हो गया, तो ये तीन है, और इसके साथ में इसको कोड भी बोला जाता है। तो कोड तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वर्ड, तो एक कलेक्शन, मतलब कई सारे जो लॉज होते हैं उनका कलेक्शन, या एक आप लोग एक जगह इकट्ठा कर देना चीजों को, ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में जब उसको कॉम्प्रिहेंड किया जाता है तो इस तरीके से आप लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंसॉल्वेंसी, पहले नंबर पे इंसॉल्वेंसी होती है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो बैंकरप्सी का आता है, और तीसरे नंबर पे फिर क्या करते हैं उसका लिक्विडेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। जब यहां पर इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पर्सन, वो अपना अपना जो बिल होता है, कोई ड्यूज होता है, उसको पे नहीं कर पाता है, तो बोल देता है कि इनएबल है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है बैंकरप्सी। अगर फिर थोड़ा प्रोसेस करके देखा जाता है कि हाँ रियली में ये है, तो उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है, यहां तो इनेबल है और यहां पर घोषित कर दिया गया कि ये बैंकरप्ट हो चुका है। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसका अपना जो भी जिसका उधार ले रखा था उसको पे कर देना चाहिए, अब ये होता है लिक्विडेशन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहां पर होता है। तो इसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, आखिर क्यों इसको ऑर्डिनेंस लेके आया गया है। देखिए हमारी कंट्री में अगर देखा जाए एनपीए जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, खासकर जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर काफी बर्डन आ चुका था और ये लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो घटती जा रही थी। तो उसी को सुधारने के लिए अब यहां पर इनका फोकस दिया गया है। तो ये चार पिलर पर वर्क करता है। सबसे पहला तो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, मतलब यहां पर कई सारे पर्सन ऐसे आएंगे जो इसका सोल्यूशन निकाल सके, उनको नॉलेज होगी इसकी कि किस तरीके से इसको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है या फिर कोई आईएएस ऑफिसर है, तो वो एक जर्नल पर्सन होता है, जर्नलिस्ट उसको बोलते हैं, उसको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है वहां पर, उसको ओवरऑल नॉलेज आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ मोटा मोटा पता होता है, पर एक्चुअल में नॉलेज क्या है उसके लिए तो कोई प्रोफेशनल होना चाहिए ना उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो उसकी जरूरत है यहां पर। तो ये पिलर है एक। आगे क्या है यहां पर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर वे में इकट्ठी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, ताकि उनको इरेज ना किया जा सके। सबसे यहां से मान लो कल को कोई गड़बड़ हो रही है वहां पर, तो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इकट्ठा होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट के ऑफिस में बहुत जल्दी आग लग जाती है, ठीक है, कि डेटा बहुत सारा जल गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। इसके बाद में जो न्यायिक जो यहां पर एजुकेशन होना है, एक तरीके से न्यायिक निर्णय होना है, वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को देखकर होना है, मतलब हर एक को सुना जाएगा यहां पर, ऐसा नहीं है बातों को बस भगाया जाएगा, तो सबको फोकस देकर चलना है। और रेगुलेटर की तो बात की जा रही है, यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड रहेगा जो कि इन सब चीजों को देखकर चलेगा। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहां पर है, कौन यहां पर मालिया बन गया है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड है वो सारी बातें वो ढंग से इंप्लीमेंट करेगा, उन सब चीजों को देखकर चला जाएगा। एम क्या है, अगर नॉर्मली ढंग से देखा जाए, एम सीधा सीधा ये है कि जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, मतलब जो दे सकते हैं अपना पे कर सकते हैं, वो भी पे नहीं कर पाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, तो किस तरीके से इन सबको रोका जाए और किस तरीके से जो लिक्विडेशन प्रोसेस है आराम से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको रिकवर करने में जो भी यहां पर कॉस्ट है, तो ये सब चीजें चेंज करने के लिए ये अमेंडमेंट का मतलब है, ताकि जो मालवीय जैसे पर्सन है आगे फ्यूचर में हमारी कंट्री में पैदा न हो। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, और ऑर्डिनेंस कहां पर लेके आते हैं, आर्टिकल 123 के पॉलिटी में। ये भी हालांकि मैं लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, सारे लेक्चरों की लिस्ट आप लोगों को नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। आज की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी ये रहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो काम क्या है, नॉर्मली वर्ल्ड में ट्रेड को किस तरीके से आसान बनाना है, एक दूसरी कंट्री आपस में ट्रेड कर सके और उनके बीच में कोई हर्डल ना आए, वो इसका एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मेन काम है, ठीक है। नॉर्मली क्या था, पहले इसका नाम था जिसको GAAT बोला जाता था, पर लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1995 में,
तब चेंज करके इसको बना दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो इसके डायरेक्टर हैं आज की डेट में, यह है रोबर्टो अजीवेडो। ठीक है, ब्राजील के रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो मेंबर कंट्री यहां पर 164 है आज की डेट में, और इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। इंडिया भी मेंबर कंट्री है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेंबर कंट्री इंडिया भी है, मेंबर गाट का भी था, ठीक है, और इसका भी है, दोनों का मेंबर है इंडिया, तो याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं नॉर्मली? देखिए, ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, माने कि 164 जो मेंबर कंट्री है, उनके बीच में जो लोग हैं, एक तो उनका अच्छा स्टैंडर्ड रहे खाने पीने का, उनकी लाइफ इंप्रूव होए, और जो ट्रेड की फैसिलिटी है वो भी अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके। देखिए, जितना अच्छा ट्रेड होता है उतना ही ज्यादा इंप्लॉयमेंट होता है, तो वो सारी चीजें और गुड्स और सर्विस इंप्लॉयमेंट, सारी चीजें अच्छे से एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा सके। मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, तो हम दूसरी कंट्री में बेच सकें और अपना प्रॉफिट कमा सकें, और बाहर की कंट्री से कोई ऐसा सामान अंदर ला सकें जो कि हमारे देश में कमी है, तो वो सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसकी होने वाली है वो कहां पर होने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। और देखिए, आगे से मैं ये किया करूंगा, जब नेक्स्ट वीडियो लेके आया करूंगा तो उसमें आप लोगों को आंसर भी दिया करूंगा इनके। ठीक है, नॉर्मली अब तक मैं ये नहीं कर रहा था, अब आने वाले टाइम में आप लोगों को इनके आंसर भी मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो नीचे आंसर दीजिएगा। आज का देखते हैं ज्योग्राफी वाला पोर्शन, मैंने आप लोगों को बताया था पहले हम लोग नेशनल पार्क करते हैं, और हमने स्टार्ट किया है नॉर्दर्न एरिया से। ठीक है, कल भी हमने एक डिस्कस किया था, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा प्लीज। तो आज जो हम हैं, आज नीचे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले, वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चल रहे हैं, फिर हम थोड़ा नीचे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर है हेमीज नेशनल पार्क, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, तो काफी ऊंचाई पर है, आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कहां पर है ये हिमालयन वाले रीजन में है। इसके बारे में काफी फेमस जो चीज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फेमस है ये किसके लिए। ये वर्ल्ड फेमस है यहां पर लेपर्ड के लिए। ठीक है, तो लेपर्ड यहां पर पाए जाते हैं, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लेपर्ड की पाई जाती है, काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ओनली नेशनल पार्क ये है हिमालयन रीजन में पाया जाता है, जो लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब काफी लंबा प्रोटेक्टेड एरिया और नोटिफाइड है ये ऑलरेडी। और सेकंड लार्जेस्ट देखा जाए तो कंटिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया है आफ्टर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व और ये है नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, पड़ता है ये जम्मू और कश्मीर वाले लद्दाख रीजन में। ठीक है, लद्दाख रीजन में पड़ता है, तो इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, और ये याद ऐसे नहीं रहनी है कि रटना है, आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आज हमारा दूसरा हो गया, कल एक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन। हिस्ट्री में आज देखेंगे हम एलोरा केव। एलोरा केव के बारे में सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन है महाराष्ट्र में। तो इंडिया में महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहां पे एलोरा केव पड़ती है, और ये क्वेश्चन इनसे कई बार निकल के आता है इन वाली केव से कि ये किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो यहां पर बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, और जैनिज्म भी है, तो हर तरीके का मॉन्यूमेंट यहां पर पाया जाता है। तो इस तरीके की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेटवर्क की जो डेट है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसकी लगभग 600 से 1000 सीई पीरियड की यहां पर आती है। इसके अलावा यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक। ठीक है ना, मतलब एक ही रॉक पे बनाया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैलाश टेम्पल यहां पर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है, जो कि डेडिकेटेड टू है शिवा। तो कैलाश नॉर्मली आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कैलाश पर्वत शिव जी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछी जाती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, जो लास्ट वाला लेक्चर लिया था उसका जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम लोग इसी तरीके से रिवीजन वो इसी तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे। आज का दिन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिन है, यहां पर देखते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, तो ये क्या होता है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जो भी विजुअली इंपेयर्ड आदमी है, जिनको दिखता नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम दिखता है, तो उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर इनका नाम था लुईस ब्रेल, तो इन्होंने एक ऐसी पद्धति ईजाद की थी जिसकी वजह से वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, ये एक तरीके का मतलब छेद छेद से उसमें होते हैं, एक आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा उसको, पिक्चर देखेगा एक बार सर्च करके तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इन्होंने वो इन्वेंट किया था। ठीक है ना, तो फ्रेंच के ये थे फिलोसोफर, आप लोग इनको बोल सकते हैं, एक तरीके से एजुकेटर भी बोल सकते हैं, जिन्होंने इसको एक तरीके से बनाया था। तो इसी के जन्मदिन के बेस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे, तो 4 जनवरी, कल कौन सा दिन सेलिब्रेट किया था आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर बताइए आप लोग, कल कौन सी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था हिस्ट्री में उसके बारे में बताइए, और जोन सा हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क उसके बारे में बताइए। आप लोग का रिविजन कराना मुझे ही पड़ेगा, वैसे तो आप लोग नहीं करेंगे, आई थिंक आपसे डेली क्वेश्चन भी यही पूछा करूंगा जो आप लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था।
तो ऑल ओवर जो वर्ल्ड होता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, वो इस दिन को यूज करते हैं अवेयरनेस फैलाने में कि किस तरीके से जो विजुअली इंपैर्ड पर्सन है वो किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं और उनको एनकरेज किया जा सके एक सोशल स्ट्रीम में लाने के लिए, मतलब वो अपने आप को सेग्रीगेट न समझे। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि क्रिएट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसको याद रखिएगा आप लोग और क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा जो भी पूछे जाते हैं, लास्ट डे से जो पूछे जाते हैं उनका भी और जो आगे से पूछे जाते हैं उनका भी। ओके, आइए अब देख लेते हैं आज का वोकैबुलरी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर है गाला। गाला एक तरीके से आप लोग पर्व बोल सकते हैं, त्योहार बोल सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन का मोड आप लोग बोल सकते हैं जिसमें आप लोग इंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं आप लोगों और परफॉर्मेंसेस भी वहां पर होती हैं। तो इस तरीके कोई सेलिब्रेशन बोल सकते हैं आप लोग, फेस्टिवल या फिर हॉलीडे बोल सकते हैं। तो एक गैला परफॉर्मेंस बाय द रॉयल बेल्ट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है कि ये परफॉर्मेंस दी गई है वहां पर बाय रॉयल बेल्ट, मतलब कोई भी आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली आप लोग मॉल वगैरह में भी जाते हैं ना, तो नॉर्मली आप लोगों को कोई भी वहां पर बैंड वगैरह दिख जाता है परफॉर्म करता हुआ, तो उस तरीके से भी आप लोग परफॉर्मेंस बोल सकते हैं एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए। या फिर किसी त्यौहार पर कोई परफॉर्मेंस आप लोग बोलते हैं कहीं पर, जैसे रामायण आप लोग देखने जाते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस दी जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली इस तरीके के त्यौहार जो आप लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं यहां पर गैला पर्व त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर हैक। हैक मतलब एक तरीके से आप लोगों ने हैकिंग का भी नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है टुकड़े कर देना यहाँ पर, या फिर किराए का हायर्ड हॉर्स आप लोग देख सकते हैं, कट विथ थ्रू हैवी ब्लो, मतलब ताकत से काट देना किसी चीज को। नॉर्मली इसके सिनोनिम्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, स्लाइस हो गया, टियर हो गया, हैकने हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब किसी चीज को कट कर देना, ठीक है। तो स्टुअर्ट हैक द पैलेट हैड द पैडलॉक ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टुअर्ट, ये आदमी का नाम है, आप लोग इंसान का नाम आप लोग ले सकते हैं इसको, तो इसने क्या किया, ताले को कट कर दिया, एक तरीके काट दिया इसको, तो इस तरीके से हैक कर दिया। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, टुकड़ा करना एक तरीके से। ओके, आइए नेक्स्ट वोकैबुलरी अपनी देखते हैं, ये है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बिलीफ आप इसको बोल सकते हैं, या फिर परस्यूट ऑफ परफेक्शन। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो इसी तरीके से परस्यूट ऑफ परफेक्शन मतलब परफेक्ट होने के लिए परस्यूट करना उसको, अचीव करने के लिए परफेक्शन को, तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज होती है। देखिए इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कोई भी इंसान कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको कमी मिलती ही है उसमें, वरना ये बोल देते ना कि वरना भगवान बन जाएगा। तो हर एक चीज कंप्लीटली सही नहीं हो सकती है, कोई आप कंप्यूटर लेके आइए, कोई मशीन, कोई मोबाइल, वो हर चीज आपकी कंप्लीट नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कमी देखने को मिलती है। तो एक तरीके से इसको यूटोपियनिज्म भी बोला जाता है, मतलब एक काल्पनिक चीजें हैं जिसको आप लोग बोलते हैं ना विशफुल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, कि अचीव तो करना चाहते हैं उसको, विश तो है कि हमको ये चीज मिल जाए, पर लेकिन अचीव नहीं कर पाते, वो काल्पनिक है। तो इस तरीके की जो चीजें यहां पर होती हैं। दूसरा वर्ड इसके लिए फैंटेसाइजिंग भी यूज करते हैं, तो नॉर्मली आइडियलिज्म का मतलब यही होता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, यहाँ पर काफी शानदार एग्जाम्पल है, ये आप लोग अपनी पढ़ाई से भी कोरिलेट कर सकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जब आप लोगों का कोई परफेक्ट एक टाइम आएगा उस टाइम पर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और वो कभी नहीं आता है और इस तरीके से पोस्टपोन करते रहते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ए मैंस आइडियोलिज्म स्टॉप्ड हिम फॉर कीपिंग ए जॉब एज ही वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द परफेक्ट वर्क एनवायरमेंट। देखिए एक इंसान ऐसा था जो परफेक्ट वर्क एनवायरमेंट चाहता था जॉब के लिए, इसीलिए वो एक जगह कहीं टिक नहीं पाया। तो यही कंडीशन हम लोगों को पढ़ाई के टाइम पे देखनी पड़ती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एक यूटोपियनिज्म होता है, मतलब यूटोपियन व्यू आप लोग इसको बोल सकते हैं, अनरियलिस्टिक होता है। तो ये आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर जैब। जैब का मतलब होता है प्रहार करना, एक तरीके से क्विकली प्रहार करना, किसी को कोहनी से मार देना, मतलब पंच मार देना, कुछ भी डैमेज कर देना, तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं स्पेशली और क्विकली एक तरीके से मार के निकल जाना। सी जैब हिम इन रिब्स, तो इस तरीके से आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, मतलब कोई मार के जल्दी से यहाँ पर निकल गया, तो रिब्स में मार के इसको निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग वर्ड याद रखिएगा, जैब प्रहार करना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, यह है कीन। कीन का मतलब होता है इच्छुक, उत्साही या फिर तेज आप लोग बोल सकते हैं। अगर इसको सिनोनिम्स यहां पर देखा जाए तो ईगर, एंग्जियस, इम्पेशेंट, तो इस तरीके के वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड, इसका नेक्स्ट मीनिंग भी आप लोग बोल सकते हैं शार्प या फिर पेनिट्रेटिंग, ये पावरफुल, इंटेंस, एक्यूट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये वर्ड होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। I have keen eyesight, ठीक है, तो बहुत शार्प आई साइट है, मतलब कहते हैं ना कि काफी तेज नजर है बंदे की, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये हो गई वोकैबुलरी। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका यहाँ पर, एक कीन गार्डन, ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी है इसकी, तो इस तरीके से आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी माइंड में बनाकर, जिससे कि आप लोग उसका मीनिंग न भूलें।
आज का पॉलिटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। द इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो आर इक्वल ऑन अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट की जाती है तब तो इक्वली अपॉइंट किया जाता है उनको, बट जब रिमूव किया जाता है तब उनको इक्वल नहीं रखा जाता है। तो आप लोगों को क्रिटिकली एनालाइज करना है कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड हाउ इट कैन बी मेड बेटर, कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है। लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, आप लोगों को मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा इसको, एवरीथिंग अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर बाय वीर, तो ये आप लोगों को आ जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। देखने के बाद में लेक्चर को क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट डिस्कशन आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा मंडे को। सर जिस तरीके से आप लोगों को बताया संडे को पीआईबी में भी न्यूज नहीं आती है क्योंकि गवर्नमेंट के मैक्सिमम ऑफिस जो रहते हैं वो बंद रहते हैं, ठीक है। तो मंडे को नेक्स्ट डिस्कशन आएगा, आप लोगों के पास में टाइम है, आप लोग जो भी अपना यहां पर और भी अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो वो दे सकते हैं। मंडे को आप लोगों को एक इंप्रूव वर्जन और देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, और इसके अलावा चीजों को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।